वेलकम बैक। अपने ही गढ़ में क्यों हार गए कन्हैया कुमार? जी हाँ, 2019 लोकसभा चुनाव के फायर ब्रांड कन्हैया कुमार किसी जाति व्यक्तिगत विशेष के लिए अपने ही गढ़ में, अपने ही घर में बुरी तरह से चुनाव हार गए। अपने ही गढ़ में चुनाव का हार जाना कितनी शर्मनाक है। कन्हैया कुमार के हारने का कारण क्या है? इनके साथ रहने वालों का भी जमीर जाग गया क्यों? जनता ने क्यों कहा यह बेटा नहीं देशद्रोही है? हिंदुस्तान के टुकड़े टुकड़े करने का सपना देखने वाला हमारा बेटा नहीं देशद्रोही हो सकता है? बेगूसराय बिहार की जनता ने कहा। बेगूसराय की बातों से क्यों तिलमिला जाते थे कन्हैया कुमार? बेगूसराय की जनता ने कहा कि कन्हैया कुमार का साथ देने वाले भी देशद्रोही हैं। आज हम इसी की एनालिसिस करेंगे, विश्लेषण करेंगे और आपको बताएंगे कि जनता ने कैसे इस तरह के सोच रखने वाले लोगों को अब स्वीकार करना बंद कर दिया है। चुनाव हारने की मुख्य वजह यह है, एक आतंकवादी को मसीहा बताना, हिंदुस्तान के तेरे टुकड़े होंगे हजार के नारे लगाना, एक आतंकवादी जो हिंदुस्तान के मासूम जनता को मौत के मुंह में झोंक दिया, उस आतंकवादी के समर्थन में सभा का आयोजन करना जेएनयू में, देश की ईमानदार मीडिया को बिकाऊ और बेईमान बताना, जातिवाद की नफरत फैलाना, एक विशेष जाति के लोगों को गुमराह करना, प्रधानमंत्री को बार बार अपशब्द कहना, अपने आप को ईमानदार और देश को बेईमान बताना, जी हाँ ये वे कारण हैं, ये सभी कारण जो अपने आप में कुछ न कुछ कहानी जरूर कहते हैं। कन्हैया कुमार पॉपुलर हुए हिंदुस्तान में, कब हुए? हिंदुस्तान तेरे टुकड़े होंगे हजार के नारे लगाए, जेल भी गए, मुकदमा भी चला, तमाम तरह के आरोप भी लगे और धीरे धीरे वह बुरी सोच वालों के हीरो बनते गए और देखते ही देखते इनका सपना इतना मजबूत हुआ कि इन्होंने चुनाव लड़ने की ठान ली। यह बेगूसराय की जनता के भाग्य विधाता बनना चाहते थे और फिर प्रयोग करना शुरू किया, मैं यहां का बेटा हूं, मैं यहां का बेटा हूं, लेकिन जनता ने जवाब दिया कि यह बेटा नहीं हो सकता, यह देशद्रोही ही हो सकता है। हिंदुस्तान के टुकड़े के सपने देखना, हिंदुस्तान की रोटी खाते हो, हिंदुस्तान की सरजमी पे रहते हो और उसके बाद तुम्हारे सपने हिंदुस्तान तेरे टुकड़े होंगे हजार, यह देशद्रोह नहीं तो और क्या है? जनता इस बात को समझ चुकी थी। एक आतंकवादी जो हिंदुस्तान की मासूम जनता को आए दिन मौत के मुंह में झोंकने का कार्य करता है, उसके समर्थन में तुमने सभा का आयोजन किया, देश की ईमानदार मीडिया को, जो देश की ईमानदार मीडिया जो अपनी जान पे खेलकर 24 घंटे इस देश को हिफाजत, इस देश की हिफाजत करने के लिए हर तरह से चौकन्ना रहती है, उस ईमानदार मीडिया को बिकाऊ बना दिया, गोदी मीडिया का नाम दे दिया। ये रहा इनकी इनके विशेषताएं, कन्हैया कुमार की ये सारी विशेषताएं रहीं और जिस विशेषता की वजह से वो आगे बढ़ते गए। जातिवाद की नफरत तो बुरी तरह से फैलाया इन्होंने, हर जगह जातिवाद का नफरत बोने का काम किया, लेकिन जातिवाद की नफरत बोने के लिए जिस जल की जरूरत होती है, जिस पानी की जरूरत होती है और मिट्टी की जरूरत होती है, न इन्हें मिट्टी मिला न इन्हें जल ही मिला, इसलिए इनका बीज, इनका नफरत का फैलाने वाला बीज कभी अंकुरित नहीं हुआ, उसे पहले ही कुचल दिया गया, मसल दिया गया। एक विशेष जाति के लोगों को गुमराह करना, कितना नुकसान किया यह कह करके कि मैं ऐसा करूंगा। अगर सब बेईमान हैं तो उस बेईमानी में रास्ता ढूंढने आप भी तो निकल पड़े चुनाव लड़ने के लिए। अगर नेता बेईमान है तो क्या आप बेईमानी का इम्तहान देने गए थे बेगूसराय में? प्रधानमंत्री को बार बार अपशब्द कहना, आप किसी व्यक्ति विशेष को अपशब्द कह सकते हैं चलेगा, लेकिन प्रधानमंत्री को, लेकिन वह भी नहीं चलेगा, अपशब्द कहना भी कानूनन जुर्म है, लेकिन हिंदुस्तान है
हम तब तक बर्दाश्त करते हैं, जनता यहाँ की तब तक बर्दाश्त करती है जब तक कि वह वक्त न आ जाए समाप्त करने वाला। अपने आप को ईमानदार, इस दुनिया में अगर कोई ईमानदार है, इस दुनिया में अगर कोई सच्चा इंसान है तो वह तो सिर्फ कन्हैया कुमार है। बाकी इस देश की सारी जनता बेईमान है, इस देश के सारे नेता बेईमान हैं, इस देश में जो लोग भी हैं सब बेईमान हैं, एक ईमानदार है क्योंकि उसे पाकिस्तान प्रेम है। कन्हैया कुमार ईमानदार इसलिए हैं क्योंकि उन्हें पाक प्रेम है, पाकिस्तान से प्रेम है, उन्हें आतंकवादियों से प्रेम है, उन्हें आतंकवादियों से लगाव है, तो फिर क्यों नहीं होंगे ईमानदार। परिणाम क्या मिला आपके सामने है। पहला परिणाम मिला करारा तमाचा, करारा तमाचा जनता ने मारा किस रूप में, चुनाव हराकर। पहला परिणाम मिला चुनाव हारना, दूसरा परिणाम जनता के नफरत का शिकार होना, देशद्रोही का खिताब मिलना, जातिगत जहर बोने वालों की संज्ञा मिलना। यह बेटा नहीं हो सकता है, देशद्रोही हो सकता है, इसका सम्मान मिलना, यह पाकिस्तान से मिला हुआ है, इसका खिताब मिलना, यह गद्दार है, देशद्रोही है, आतंकवादी है, ये जनता के शब्द हैं। और जनता ने कन्हैया कुमार को इन शब्दों को मद्देनजर रखते हुए तिरस्कार किया, उन्हें स्वीकार नहीं किया, जिसका परिणाम यह हुआ कि इनके विपक्षी गिरिराज सिंह 4,22,000 वोटों से भी अधिक की जीत दर्ज किया। शायद अगर ये सारी बातें न होती तो गिरिराज सिंह का जीतना वहां मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था, गिरिराज सिंह कभी वहां जीत नहीं सकते थे। लेकिन कम से कम गिरिराज सिंह देशद्रोही तो नहीं थे, गिरिराज सिंह हिंदुस्तान के टुकड़े करने का सपना तो नहीं देखते थे, कम से कम गिरिराज सिंह किसी आतंकवादी के समर्थन में सभा का आयोजन तो नहीं करते थे, कम से कम गिरिराज सिंह पाकिस्तान से मिले हुए तो नहीं थे, कम से कम गिरिराज सिंह इस देश के लिए कुछ करना चाहते थे, वह गद्दार तो नहीं थे, देशद्रोही तो नहीं थे, आतंकवादी शब्द का खिताब तो नहीं मिला था। ये सारी बातें कन्हैया कुमार के बेटा होने पर भी भारी पड़ी, क्योंकि जनता इस बात को भली भांति जान चुकी है, यदि मेरा बेटा ही क्यों ना हो, वह यदि वह देशद्रोही है तो वह मेरा बेटा नहीं हो सकता, उसे हम किसी न किसी रूप से छोड़ेंगे जरूर। ये रहा हमारी जनता का देश प्रेम, ये रहा कन्हैया कुमार के हार जाने का विश्लेषण। इस वीडियो में जितने भी शब्द प्रयोग किए गए हैं वह सारे शब्द जनता के हैं, और जनता ने कन्हैया कुमार से जिस तरह से संवाद किया उसी का यहाँ पे रूपांतरण किया गया, उसी को बताया गया, कोई व्यक्ति विशेष भाषा और स्वयं की बात का प्रयोग नहीं किया गया है। उम्मीद है कि आपको कन्हैया कुमार के हारने का परिणाम समझ में आ गया होगा, अर्थात अब आने वाले समय में कन्हैया कुमार जैसे लोगों को जनता किस तरह का जवाब देने वाली है लोग भली भांति समझ चुके हैं। इसी के साथ ही हम इजाजत चाहेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लर्निंग।